2024 में मोदी जी फिर से हैट्रिक बना रहे हैं? एब्सोल्युटली, आई एम एक्स इंडियन एयरफोर्स, आई स्टडीड फ्रॉम कनॉट प्लेस, भगवान के भक्त हैं, उन्होंने राम जी के भक्त हैं, आई एम आल्सो राम भक्त, सबको अपनी पूजा का अधिकार है। नरेंद्र मोदी इज द फर्स्ट एवर प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने डिफेंस सर्विसेज के लिए किया, हमारी विधवाओं को पेंशन नहीं आती थी कांग्रेस के टाइम में, हमारे पास बुलेट प्रूफ प्रॉपर जैकेट्स नहीं थी, पूरे एयरक्राफ्ट हमारे इंडिया में डीआरडीओ के और एचएल के द्वारा यहाँ पर बन रहे हैं। हमारा जो असम में अरुणाचल का एक पुल था डिब्रूगढ़ में 18 साल से बन रहा है, हमें अगर अरुणाचल आना तो गुवाहाटी होकर घूम कराना पड़ता था, कांग्रेस जैसे ये बीजेपी गवर्नमेंट आई विदिन 2.5 आवर्स का टाइम सेट हुआ और एकदम डिब्रूगढ़ से अरुणाचल का पुल बन गया, जिससे हमारा करोड़ों रुपये का डीजल ये रोहिंग्या जो है शरणार्थी, और शरणार्थी को बसाने की जिम्मेदारी हुकूमत की है, उनको जगह देने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, तो केंद्र सरकार इनको जगह दे दे, बसा दे, कहीं यहाँ से चले जाएंगे, तो हमने तो इनको बसाया नहीं है, वहाँ झुग्गियों में जिस हालत में रह रहे हैं, गर्मी के अंदर उनके पास खाने को नहीं है, तो एक इंसानियत का तकाजा है, अगर आप उनको वहाँ से हटाएंगे तो कोई ना कोई तो जगह देंगे, या उसी में से कोई जगह साइड में आप दे दो, या कोई ना कोई उनको रास्ता तो देंगे, हम लोग तो क्योंकि दिल्ली सरकार में है, मेरी विधानसभा पड़ती है, तो मैं ऐसे उनको कैसे बेघर कर दूं, कैसे उजाड़ के कहाँ जाएंगे वो लोग? शरणार्थी जो वहाँ धार्मिक वजहों से प्रताड़ित हैं उनको नागरिकता का रास्ता खुलेगा। इसमें कौन 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 से देश? पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, वहाँ से किस किस को कह रहे हैं आएंगे लोग धार्मिक रूप से जो प्रताड़ित हैं? कौन कौन से धर्म के? वहाँ पे तो देश के मेजोरिटी धर्म तो इस्लाम है, तो बाकी जो धर्म है हिंदू हैं, बौद्ध हैं, क्रिश्चियन हैं, उनको बुला रहे हैं जी। इनको नौकरी कौन देगा? इनको कहाँ बसाओगे? इनको घर कहाँ से दोगे? इनको दिल्ली में बसाओगे? इनको बंबई में बसाओगे? इनको गुजरात में बसाओगे? इनको आसाम में बसाओगे?